नमस्ते चलिए बच्चों हिंदी कक्षा का प्रारंभ करते हैं पिछले कक्षा में हमने क वर्ग च वर्ग ट वर्ग और त वर्ग के अक्षरों से बनने वाले शब्दों को सीखा है तो चलिए बच्चों आज हम प वर्ग में आने वाले अक्षरों के शब्दों को सीखते हैं प वर्ग में प फ ब भ, म ये अक्षर आते हैं तो चलिए शुरू करें पाठ पाँच सचित्र व्यंजन ध से र हमने पिछली कक्षा में ध से धनुष और न से नल का अभ्यास किया था तो आज हम प से शुरू करते हैं प से पतंग पतंग को अंग्रेजी में काइट कहते हैं फ़ से फल फल को अंग्रेज़ी में फ्रूट्स कहते हैं ब से बस बस को अंग्रेज़ी में बस ही कहते हैं भ से भालू भालू को अंग्रेज़ी में बेर कहते हैं म से मछली मछली को अंग्रेज़ी में फ़िश कहते हैं तो so, बच्चों अब तक हमने क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग वाले अक्षरों से बनने वाले शब्दों को सीखा है हर वर्ग में पांच अक्षर होते हैं जैसे क वर्ग में क ख ग घ, ऐसे ही च वर्ग में पांच अक्षर ट वर्ग में पांच अक्षर त वर्ग में पांच अक्षर और प वर्ग में भी पांच अक्षर होते हैं अब हम अवर्गीय व्यंजन सीखते हैं अवर्गीय व्यंजन मतलब जो व्यंजन किसी भी वर्ग में नहीं आता है उसे अवर्गीय व्यंजन कहते हैं जैसे य र ल व, श, क्ष स ह, ज्ञ श्र ये सारे अवर्गीय व्यंजन कहलाते हैं तो चलो अब हम अवर्गीय व्यंजनों के अक्षरों से बनने वाले शब्दों को सीखते हैं य से यज्ञ अंग्रेजी में भी इसे यज्ञ ही कहते हैं र से रथ अंग्रेजी में इसे चारियट कहते हैं ल से लट्टू अंग्रेजी में लट्टू को टॉप कहते हैं से वक अंग्रेजी में वक को क्रेन कहते हैं श से शलगम शलगम को अंग्रेजी में टर्निक कहते हैं श से छटकोन शटकोन को अंग्रेजी में हेक्सागोन कहते हैं स से सब्जी अंग्रेजी में सब्जी को वेजिटेबल्स कहते हैं ह से हल अंग्रेजी में हल को प्लो कहते हैं क्ष से क्षत्रिय अंग्रेजी में क्षत्रिय को वॉरियर कहते हैं त्र से त्रिशूल त्रिशूल को अंग्रेजी में त्रिशूल ही कहते हैं न्य से ज्ञानी ज्ञानी को अंग्रेजी में स्कॉलर कहते हैं श से श्रमिक श्रमिक को अंग्रेजी में लेबर कहते हैं तो बच्चों हमने अब तक व्यंजनों के अक्षरों से बनने वाले शब्दों को सीखा है वर्ग में आने वाले अक्षरों के शब्दों को और अवर्गीय व्यंजनों के अक्षरों के शब्दों को सीखा है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद